आओ बेटे शुरू करें अपनी आज की क्लास। चलिए जी बेटा, चैप्टर चल रहा है अपना रेक्टिफिकेशन, और रेक्टिफिकेशन में हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो आपने नहीं किया, बोलो हाँ है ना, नहीं किया ना। लो जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, नहीं किया जी होमवर्क। आइए जी मेरे साथ साथ करेंगे क्वेश्चन जल्दी से। क्वेश्चन नंबर कौन कौन से हो गए थे हमारे लास्ट क्लास में, हमारा जो लास्ट क्लास में हुआ था बेटे कौन कौन से हुए थे लास्ट क्लास में क्वेश्चन, जरा एक बार बताना। लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन किया था वो कौन सा किया था बेटे क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमने कर लिया था, और मेरे याद आ रहा है कि इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी हमने किया था, इलस्ट्रेशन 3 भी हमने किया था बेटे, याद है कुछ या ऐसे सो गए थे घर पे जाके। आइए जी इलस्ट्रेशन नंबर 3 ये हमने किया था क्या, जल्दी बताओ मुझे, ये तो हमने शायद कर यस लिया। सर। हाँ कर लिया। आओ बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आओ जल्दी से, और मुझे बताओ क्या इलस्ट्रेशन नंबर 4 आप लोगों ने ट्राई किया बच्चों घर से, कोई डाउट है किसी को? अगर डाउट नहीं है तो मैं क्लास का टाइम क्यों लगाऊं, और अगर डाउट है तो मैं फिर फटाफट से करूं। कर लिया है, एक बच्चे का थम्सअप है, वो एक्चुअली वो आउट हो गया थम्सअप, दोबारा से बताना बेटा किस बच्चे ने कर लिया। स्वयं ने किया है बस, बाकी किसी बच्चे ने नहीं किया। एटलीस्ट ये तो बताओ कि सर हमने किया था, डाउट आया था, या फिर ये बताओ कि सर हमने नहीं किया था, हम आज करेंगे ट्राई, जो सबसे पुराना बहाना है। अब मैं एक एक से पूछना चालू करता हूं। अंटू किया क्या? अंटू नहीं किया। ओके अंटू ने जवाब दे दिया कि सर नहीं किया। आर्यन तो खैर अभी गाड़ी चला रहा है शायद। महक बेटा कर लिया, महक सृष्टि कर लिया क्या? महक ने भी नहीं किया। नो सर। चलो तो ठीक है, अपने अपने मम्मी पापा से बात कराओ जल्दी से, बुलाओ जल्दी से एक बार 2 मिनट के लिए, बस यही मत करना सर है ना बेटे, कोई फायदा नहीं है इस तरह से इतनी मेहनत का। देखो मैं तुम्हें कभी मैंने बैच में डांटा कभी नहीं डांटा, आज भी मैं डांट नहीं रहा हूं, सिर्फ अलर्ट कर रहा हूं, सिर्फ अलर्ट, क्योंकि अब आप लोग ना उस स्टेज से निकल चुके हो जहां पर आपको ना सिर्फ प्यार से समझाया जा सकता है, डांट वांट से कुछ कुछ नहीं हल हो सकता। बेटे मैं सिर्फ समझा सकता हूँ, मैं भी समझा ही रहा हूँ आपको, अगर आप साथ साथ करते रहोगे तो सब कुछ आपके हाथ में रहेगा, वरना बेटे एकदम फिसल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब मेरे को सिलेबस खत्म भी हो गया और कब मेरे को वो समय निकल गया और एग्जाम आ गया। आइए जी, स्वयं ने पूछा कि सर फोर्थ का लास्ट वाला और सेकेंड वाला और सेकेंड लास्ट पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन कर दो। ओके तो मैं सिर्फ उस बच्चे का डाउट ले रहा हूं अभी जिस बच्चे ने ट्राई किया और नहीं हुआ, तो उस बच्चे का टाइम तो मैं बचाऊं कम से कम, उस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 4 पे टाइम लगाया है, बाकी सब बच्चे ना बड़ा गड़बड़ काम कर रहे हैं भाई ऐसे। पॉइंट नंबर ई सेकेंड लास्ट है, तो सारे बच्चे फटाफट से पॉइंट नंबर ई को पढ़े, और अब मैं तुमसे पूछूंगा जल्दी जो जो बच्चे नहीं करके लाए, अब मैं एक एक बच्चे से पकड़ूंगा बेटे, फटाफट से बताओ पॉइंट नंबर ई क्या करना है, हमें ई पॉइंट का पढ़ना जरा। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम गुलाब, नहीं डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम रेड एंड ब्लैक, पहले तो जरा तुम वीडियो ऑन करो, अब तो तुम सच में आज मेरे से डांट खाओगे, तुम भी कहोगे सर का मूड खराब है क्या? नहीं नहीं मेरी मैडम कॉलेज गई है पढ़ाने के लिए, तो मेरा मूड वैसे भी खराब नहीं हो सकता अभी। जल्दी जल्दी
जल्दी जल्दी वीडियो ऑन करो। सार्थक बेटे क्या अंधेरा कर रखा है, जल्दी ऑन करो और मुझे बताओ पॉइंट नंबर ई के बारे में, एक्सप्लेन करो जल्दी से। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम रेड एंड ब्लैक ₹15 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। बेटे पहले तो एक बात बताओ, ये डबल डबल साइड एरर है या सिंगल साइड एरर है, पहले तो इस बात को देखो जरा। डबल साइड, डबल साइड एरर है क्योंकि ये बेटे एंट्री करना ही भूल गए इसकी। कैश बुक में एंट्री होती है, जब पता है आपको कैश बुक जब बनाई जाती है तो मतलब कैश और बैंक की जन एंट्री के बदले कैश बुक बनाई जाती है। और कैश बुक मतलब बेटे कैश वाला रजिस्टर, जितनी भी कैश वाले ट्रांजेक्शन है, जितने भी डिस्काउंट वाले ट्रांजेक्शन है, जितनी भी बैंक वाले ट्रांजेक्शन है, सबको एक अलग रजिस्टर में रिकॉर्ड करते हैं हम। तो यहाँ पर बेटे जब डिस्काउंट कॉलम में एंट्री नहीं हुई, इसका मतलब है उस रजिस्टर में लिखना भूल गए। बच्चा पता क्या करता है, इसको कहता है कि डिस्काउंट अकाउंट में एंट्री करना भूल गए। बिल्कुल गलत बेटे, इसको ऐसे समझो कैश बुक जो है, कैश वाला रजिस्टर है, वो तीन रजिस्टर वहां पे एक साथ है। क्या कहा मैंने बेटी? पॉइंट नंबर ई देखो, यहां पर इसका कहने का मतलब क्या है बेटे, एक रजिस्टर है हमारा जिसको हम बोलते हैं कैश रजिस्टर, कैश बुक। आपको बताया ये इस तरह नहीं बनता जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, लेकिन ये बनते हैं कॉलम में। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इसका नाम क्या है, कैश रजिस्टर, इसको ऐसे समझो। कैश रजिस्टर बोलो, बैंक रजिस्टर बोलो, और एक और क्या, डिस्काउंट रजिस्टर बोलो, जिसका नाम क्या बन गया इन तीनों को जोड़ के, कैश बुक। और यहां पर ये बिल्कुल किसके लिए, किस तरह से बनती है, ये बनती बस इस तरह से है, कैश बैंक डिस्काउंट, और जी कैश बैंक डिस्काउंट, कैश और बैंक और डिस्काउंट। तो मैं एक एक करके ना फटाफट से, मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा, मैं आपको ना वेटिंग में डालता रहूंगा। जिस जिस बच्चे का कैमरा ऑफ रहेगा वो अपने आप री एंटर करते रहना, लेकिन एंट्री जो होगी री एंट्री वो कैमरा ऑन करके होगी। ठीक है, आइए जी। बेटा देखो, बेटा एक है क्या हमारा कैश वाला अकाउंट, ये है हमारा डिस्काउंट वाला अकाउंट, ये है हमारा बैंक वाला अकाउंट। अगर देखा जाए यहाँ पर बेटे तीनों की तीनों बातें यहीं पर हैं, है ना, तीनों के तीनों लेजर एक तरह से इस बुक के अंदर लिखे जाते हैं बेटे इसको। लेकिन लेजर मत बोलना, कैसे बोलोगे, जैसे हमने परचेज रजिस्टर बोला था ना, सेल रजिस्टर बोला था, बिल्कुल ठीक वैसे ही हम इसको ना ऐसे बोलेंगे, डिस्काउंट रजिस्टर। क्या बोलेंगे बोलो, डिस्काउंट रजिस्टर। क्या बोलेंगे, डिस्काउंट रजिस्टर। और हमारे यहाँ पर क्योंकि डिस्काउंट मिली हमें पार्टी से, तो हमारे हिसाब से खाली खाली किसमें आनी थी, पोस्टिंग किसमें आनी थी, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट वाले रजिस्टर के अंदर डिस्काउंट वाले कॉलम में एंट्री आनी थी, डिस्काउंट वाले कॉलम में एंट्री आनी थी। क्या लिखना चाहिए था यहां पर, डिस्काउंट किससे मिली बताओ बेटे, डिस्काउंट हमें मिली किससे, रेड एंड ब्लैक से। रेड एंड ब्लैक कौन है भाई, हमारा रिश्तेदार है क्या, नहीं वो हमारा क्रिएटर है, उसको पेमेंट करना होगा तो उसने कुछ कम पेमेंट ले लिया। आइए जी, तो यानी कि ये है हमारी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, सॉरी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट बाय क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर का नाम यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिटर का नाम दे रखा है यहाँ पे बाय रेड एंड ब्लैक, बाय रेड एंड ब्लैक। कितने रुपए बेटे जरा चेक करो, कितने रुपए रेड एंड ब्लैक को, कितना, ₹15 ये होना था, लेकिन ये एंट्री करना भूल गए। मतलब अगर मैं इसका व्हाट शुड भी बनाऊं, व्हाट शुड
बी, और दूसरा क्या बेटे? व्हाट हैज बीन, बताओ बेटे क्या होगा? व्हाट शुड बी मतलब रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या है बेटे? हुआ कुछ भी नहीं है यहां पर, नो एंट्री, कुछ भी नहीं हुआ, भूल गए, फॉरगॉट। तो रेक्टिफिकेशन कैसे होगा जी? रेक्टिफिकेशन होगा कि हम रेड एंड ब्लैक को किसी तरह डेबिट कर दें। अब डिपेंड करेगा किस स्टेज पर काम कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मूवमेंट करेंगे, लेकिन रिजल्ट हमारा ये आएगा। अब बताओ बेटे, अगर हम लोग स्टेज वन पर हैं, अगर हम लोग बेटे स्टेज वन पे हैं, आप बेटा एक बात ध्यान रखना, चैप्टर तो बहुत पहले खत्म हो गया, हम तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जितना तुम करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, जितना तुम करोगे। मैं करूंगा मैं और स्ट्रॉन्ग होता जाऊंगा, तुम करोगे तुम और स्ट्रॉन्ग होते जाओगे, तुम्हारी प्रैक्टिस करने की बारी है। और मैं चाहता हूँ आप लोग सारे क्वेश्चन एक बार ट्राई तो करो, और मुझसे सारे क्वेश्चन करवा लो चाहे यहाँ पे सारे के सारे, लेकिन ट्राई जरूर करो। स्टेज नंबर वन, स्टेज नंबर टू, स्टेज नंबर थ्री, जरा देखना फटाफट से। अगर ये है बेटे बिफोर ट्रायल बैलेंस, यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, अगर पहली स्टेज पर रेक्टिफिकेशन हो रहा है तो क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, क्या करेंगे बोलो? हम यहां पर डेबिट करेंगे रेड एंड ब्लैक को बाई ₹15। ये एक नोट दिया जाएगा, एक्सप्लेनेशन नोट। क्या दिया जाएगा बेटे? एक्सप्लेनेशन नोट दिया जाएगा, एंड क्रेडिट डिस्काउंट बाई ₹15। बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की अगर स्टेज नंबर टू होगी, यानी कि ट्रायल बैलेंस बन चुका होगा, यानी कि बेटे ट्रायल बैलेंस बन चुका होगा आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट से पहले। सृष्टि कह रही सर मैं बताऊंगी, क्या होगा बोलो सृष्टि? रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू वेरी गुड, डिस्काउंट। वेरी गुड, मतलब यही वाली एंट्री हो जाएगी, जनरल एंट्री के जरिए बात होगी। सार्थक कह रहा सर अगला तो मुझसे पूछो कम से कम, बोलो भाई सार्थक, मैंने तुम्हारी सुन ली, बोलो सार्थक अगले वाली स्टेज बोलो। यस सर, एक मिनट। बोलो बोलो, खुल जाएगी नींद, खुल जाएगी। ये खा पी के लेटने का टाइम ऐसे ही होता है 3-4 बजे का। रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे बाबू, शाबाश बेटा। रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट। एग्जाम में कोई रेड एंड व्हाइट मत लिखे आना, कभी कोई रेड एंड व्हाइट का दीवाना हो बेटे, ये रेड एंड ब्लैक है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। आओ बच्चों आगे बढ़ते हैं, शैतानों अगली बात करो बेटे, पॉइंट नंबर एफ की बात। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हाँ जी, तो आज आर्यन तो हमारे हत्ते चढ़ेगा नहीं, वो ड्राइव कर रहा है गाड़ी को, तो आर्यन को तो अभी फिलहाल आज माफ कर देते हैं। महक कह रही है सर मैं बताऊंगी, बोलो महक। बोलो बेटा। डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन एंड कंपनी ₹18 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। द अकाउंट ऑफ जी मोहन एंड कंपनी हाउएवर हैज बीन करेक्टली पोस्टेड। मैक मुझे क्वेश्चन का आंसर तो दो अकाउंट की गलती है कि एक अकाउंट की गलती है? लास्ट वाली लाइन में पकड़ गई मैक इसको, मुझे लग रहा है। नहीं सिंगल, अब बेटे सिंगल तो है ही है, एक सिंगल सेंटेंस है, मुझे बताओ ये डबल अकाउंट की गलती है कि सिंगल अकाउंट की? सिस्टी वीडियो ऑन करो, मुझे पता है तुम इसे एकदम से बंद कर दे, सिस्टी में मेरा नंबर भी लग सकता है। हाँ सिंगल अब देखो सिंगल नहीं होगा तो डबल अकाउंट, कॉन्फिडेंस लाओ एकदम, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलो, चाहे गलत बोलो एकदम कॉन्फिडेंटली। सिंगल अकाउंट सर। अकाउंट की गलती है,
सार्थक जल्दी बोलो। डबल अकाउंट। ये देखो वाह 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 भाई, कोई ट्रिपल अकाउंट वाला भी है? सिस्टी कह रही मैं हूँ सर। बोलो सिस्टी। ये दुबंग कही थी। सिंगल अकाउंट है सर। नहीं सर। अरे नींद खोल रहा हूँ बेटा, ऐसी ऐसी बातें करके और कुछ नहीं। हाँ भाई बेटा, अब देखो सारे बच्चे इधर। बेटा ये सिंगल अकाउंट की ही गलती है, बिल्कुल है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? पहले मुझे बताओ, जी मोहन एंड कंपनी जो है, वहां से 1800 रुपए डिस्काउंट अलाउड थी उसको, अलाउ की थी हमने उसको? बोलो, डिस्काउंट अलाउड टू। वरुण बताएगा, वरुण कह रहा है सर मुझे बताना। बोलो वरुण, दूध दूध पी लिया? देखो वरुण ने अब तैयार हो गया, वरुण एकदम बताने के लिए। बोलो वरुण। सर सिंगल साइड एरर है ये, डिस्काउंट अलाउड तो एंटर नहीं हुआ था, पर जी मोहन में एंटर हो गया। वेरी गुड। देखो बेटे, पार्टी का नाम क्या है यहाँ पे? जी मोहन कंपनी, जी मोहन कंपनी को हमने डिस्काउंट दी। तो डिस्काउंट दी तो मतलब बेटे डिस्काउंट तो डेबिट होगी, लेकिन पार्टी जो है, जो जी मोहन एंड कंपनी है, वो क्या होना है बेटे? क्रेडिट होना है। तो दोनों जगह पर पोस्टिंग होनी थी, तो इन्होंने कहा कि भैया जी मोहन में तो कर दिए। अब जी मोहन में कर दी है तो एक ही जगह तो बाकी है, डिस्काउंट। आइए जरा इस बात को थोड़ा सा हम लोग टेक्निकली सही ढंग से यहाँ पे लिख लें। लिखिए तो जरा। हाँ बेटा, व्हाट शुड बी, सबसे पहले ये कर लो इसका, व्हाट शुड बी, फिर करो बेटे व्हाट हैज बीन, व्हाट शुड बी, व्हाट हैज बीन। कौन सो रहा है ये ऊपर मुंह करके? हाँ आओ जरा बताना जरा। डिस्काउंट अलाउड यानी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जी मोहन एंड कंपनी, ये होना चाहिए था बेटे कितने रुपए से? 18 रुपए से। लो बच्चों 18 रुपए से, 18 रुपए से डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन होना चाहिए था। नेक्स्ट, व्हाट हैज बीन, अब बेटे बताओ बेटे व्हाट हैज बीन को बताओ बेटे, व्हाट हैज बीन डिस्काउंट अलाउड टू मोहन कितने का है? जी मोहन एंड कंपनी वाला अठारह रुपए। व्हाट हैज बीन, अब यहां पे हुआ क्या है? हाउएवर हैज बीन करेक्टली पोस्टेड। लो जी, तो ये पता नहीं क्या चीज डेबिट हो गई है, लेकिन एक बात कंफर्म है कि जी मोहन एंड कंपनी में करेक्टली वहां पर क्रेडिट हुआ है, उसके यहां पे करेक्टली पोस्टिंग हुई है। बताओ बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अगर हम करेंगे, देखो पहली बात तो जहां पे कोई अकाउंट पता ही नहीं चल रहा वहां पे हम क्या लिखेंगे उसको? सस्पेंस में डेबिट हुआ है। कहां पे हुआ है बोलो? जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? आजकल भगवान भी होता है, ये कलयुग है, इसमें कौन होता है बोलो? सस्पेंस होता है। कौन होता है बोलो? सस्पेंस। फाउंडेशन लेवल पर सस्पेंस और इंटर लेवल पर अदर सोर्स होता है। आओ जी, तो हम कैसे करेंगे यहां पर फटाफट से बताओ। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डिस्काउंट में डेबिट होना था भाई, डिस्काउंट को डेबिट कर दो, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 18 रुपए, और जी मोहन में क्रेडिट होना था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पता नहीं किसमें चला गया है, सस्पेंस में डेबिट हो गया है, बेटे सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे। ये राजी आपके सामने। किसी बच्चे को यहां पे कोई दिक्कत? क्या मैं चलूं आगे? आइए जरा। अब बेटा स्टेज नंबर वन है, अगर स्टेज नंबर वन यानी कि बेटे बिफोर ट्रायल बैलेंस, आप ना कभी भी ये गलती मत करना कि बुक में जो पूछा है बस खाली उसी का सॉल्यूशन बनाए। आप हर क्वेश्चन को तीनों तरह से करके देखें बेटे, एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएगा, ये मेरी गारंटी है। जो क्लास में लिखेंगे वो आएगा पक्का, फिगर अलग होगी, लेकिन हो सकता है वो स्टेज वन पे हमने कवर किया, स्टेज टू में जाके मिले, स्टेज थ्री में जाके मिले। क्रेडिट करने की क्या दरकार है बेटे? दरकार ये है, ट्रायल हमारा बन चुका है, ट्रायल हमारा किसमें? बेटा गलत सोच रहे हो,
मोहन में क्रेडिट है ठीक है, लेकिन हमारा कहीं और तो है ना डेबिट। जब डिस्काउंट में डेबिट नहीं हुआ तो फिर कहाँ डेबिट हुआ, क्योंकि जब सब कुछ काम हो चुका है सेकेंड स्टेज पर, इसका मतलब कहीं और डेबिट हुआ है ना, इसलिए क्रेडिट करने की दरकार है बेटे। बाद में दूसरे बच्चे को भी हो सकता है डाउट हो, ठीक है, तो आप प्लीज इसको थोड़ा सा क्लियर करें। किसी और बच्चे को कोई डाउट हो बेटे, सस्पेंस हमने क्यों क्रेडिट किया यहाँ पर, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि ये सेकंड स्टेज का क्वेश्चन है, और अगर है तो यानी कि एंट्री का डबल इफेक्ट है, यानी कि कोरस्पोंडिंग कहीं और डेबिट जा चुका है, तो वो उसका हमें पता नहीं है, इसलिए उसका नाम क्या है, सस्पेंस। आज अभी उठ गया, सो के गुड मॉर्निंग, आओ जी करेंगे क्या, एक्सप्लेनेशन नोट डालेंगे यहाँ पर। ट्रायल बैलेंस बनने से पहले अगर हम ठीक कर रहे हैं तो हम लिखेंगे डेबिट डिस्काउंट अकाउंट बाय रुपीज 18 एंड क्रेडिट। बेटा ऐसे रिजल्ट नहीं आएगा अगर तुम इतनी देर देर में क्लास में आओगे, बताओ घर बैठे बैठे भी लेट हो रहे। स्टेज नंबर टू, अगर बेटे आफ्टर ट्रायल बैलेंस है बट बिफोर फाइनेंशियल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कैसे होगा जी, यही बात होगी कैसे, जर्न एंट्री के जरिए होगी। कैसे होगी बेटे, जर्न एंट्री के जरिए। सृष्टि कह रही है सर मेरे से तो पूछते ही नहीं आप मेरे से पूछो, बोलो बेटे सृष्टि, सेकंड और थर्ड स्टेज दोनों की एंट्री तुम्हें बतानी है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, वेरी गुड बेटा, सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट, और थर्ड में पीएनएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस। कॉन्फिडेंस नहीं है बेटे, गलत भी बोलो ऐसे बोलो बस, सामने वाला एग्जामिनर के हाँ भाई यही सही था, बोलो बोलो सृष्टि बोलो, सोच के बोलना, गलत भी होगा बेटे कॉन्फिडेंस नहीं बोलना, जो हमारी नॉलेज है वहां तक हम बात करें, बोलो एडजस्टमेंट टू सस्पेंस अकाउंट। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटे आप, बस कॉन्फिडेंस मिस कर रहे हो खाली, जबकि आप बिल्कुल सही हो अपनी जगह। पीएनएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, अगर आप में थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस लूज है ना, तो इसका मतलब है आपकी प्रैक्टिस कम है बेटा, और वहां पर क्या होगा, ब्रह्मा विष्णु में ही सिला देंगे। ब्रह्मा कौन, हमारे से अगले वाला बैठा होगा जो एग्जाम में, विष्णु कौन लेफ्ट वाला और महेश कौन राइट वाला, वो पक्का कोई ना कोई नया आंसर बता देंगे, और हम अपना मेन आंसर जो अपना स्ट्रॉन्ग आंसर है उसको लूज कर देंगे। तो बेटे ध्यान रखना, कॉन्फिडेंटली दो, बहुत अच्छा आंसर दिया बेटा आप, क्यों किया बताओ, पीएनएल एडजस्टमेंट बताओ शिष्य, इसलिए उसका नाम चेंज करना है। आओ जी आगे बढ़ते हैं, तो ये तो रहा जी क्वेश्चन नंबर 4 का डाउट का सेशन, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। आओ बेटे क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। हाँ बेटा बोलो, जो इसकी फिफ्थ सिक्स्थ एंट्री थी उसको जब विदाउट सस्पेंस अकाउंट करेंगे तो उसमें क्या होगा, हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर एफ की या पॉइंट नंबर ई की, ये बताओ बेटा, एफ एफ की जो अभी अभी हमने किया, ये रहा ना बेटा सेकंड स्टेज, ये देखो बाबू आप ही ने बताया विदाउट सस्पेंस अकाउंट, इसके अंदर दो तरीके से करना है ना बेटे विदाउट सस्पेंस, तो देखो मेरी बात सुनो, अब विदाउट सस्पेंस की बात करते हैं, अच्छा ये भी है विदाउट सस्पेंस भी बोल दिया गया इन्होंने यहाँ पे, चलो डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक, ठीक है बेटे ऐसे केस में क्या होगा, ये तो है विदाउट, अच्छा ये तो है विद ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस मैंने आपको किसी को कराया नहीं है, अभी तो सारी चीजें हमने जो किए हैं वो सस्पेंस वाली की है। सर इस क्वेश्चन में दोनों बोला हुआ है ना, इसलिए विद और विदाउट दोनों बेटे, इसमें ना मैं आपको एक बात बताता हूं, एक मिनट बस, तो कुछ नहीं है ये जो हमारी जो स्टेज नंबर 1 है ना, ये हमारी फिर ये यहां पर क्या होगा, हम बस सस्पेंस का सारा नहीं लिखेंगे यहाँ पर, हम क्या करेंगे फिर, आइए जरा
ये जो एक मिनट अच्छा विदाउट सस्पेंस तो एक काम करो ना मैं अभी ना थोड़ा सा हेलो बच्चों कहाँ गए वरुण स्वयं एक मिनट देखो बेटा अभी ना हम लोगों ने जो बातें की जो सारी की सारी बातें की वो सिर्फ और सिर्फ सस्पेंस के बेसिस पे की तो अभी हम पहले ना सिर्फ और सिर्फ सस्पेंस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जहां तक बात रही विदाउट सस्पेंस की तो बेटे सस्पेंस अकाउंट कब आता है आप ये बताओ वो सिर्फ तब आता है जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बना चुके होते समझ रहे हो यानी कि एक तरह से ये क्या बात कहना चाह रहा है कि ये कहना चाह रहा है फर्स्ट स्टेज की कहानी भाई सस्पेंस कब आता है जब हमारा ट्रायल बैलेंस बन चुका होता है और ट्रायल बैलेंस बनने से पहले की स्टेज होती है हमारी सस्पेंस की और वहां पर हम क्या करते हैं एक सिंपल सिंपल एक्सप्लेनेशन नोट होगा या कोई भी ऐसी चीज होगी जहां जहां पे इफेक्ट आना होगा सिर्फ वहां पर डालेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं पॉइंट नंबर एफ की तो यहां पर बेटे पॉइंट नंबर एफ हमारा सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो केस है ये वाला केस स्टेज नंबर वन लिखो जरा स्टेज नंबर वन लिखना जरा फटाफट से डेबिट डिस्काउंट बाय रुपीस 18 नंबर एक स्टेज नंबर टू स्टेज नंबर टू अगर हम बात करेंगे यहां पर तो यहां पर आएगा डिस्काउंट यहां पर होगी जनरेटेड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना 18 तो इसका मतलब क्या है कोई ना कोई हमारे यहां पर ओमिशन रही होगी अभी एक काम करो आप इस वाले को फिलहाल रहने दो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा बिना सस्पेंस खोले हम कैसे करते हैं वरना चीजें ना थोड़ा मिक्स हो जाएंगी ठीक है आइए जरा फटाफट से देखना इलस्ट्रेशन नंबर फाइव को देखो एक बार पहले इलस्ट्रेशन नंबर फाइव करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त मिस्टर दत्त की बुक्स में ट्रायल बैलेंस वाज आउट बाय रुपीज 493 एक्सेस क्रेडिट बेटे 493 रुपए क्या है एक्सेस क्रेडिट है कल मैंने आपको डिस्कस कर लिया था हाँ तो आपने कर लिया ये पहले मुझे ही बताओ क्वेश्चन सोल्व कर लिया कि नहीं कर लिया कर लिया वेरी गुड चलिए तो हम फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को स्किप कर सकते हैं किसी बच्चे को फिफ्थ में कोई डाउट अभी विदाउट सस्पेंस छोड़ो सारी बातें सिर्फ विद सस्पेंस की करो पहले ना एक रिदम हो जाए ना सारा खत्म तो मैं मानू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्लियर है किसी बच्चे को कोई डाउट चलिए डाउट तो तब होगा सर जब हम करेंगे ओके सबके थम्स अप आ गए इसका मतलब बच्चों ने ट्राई किया है भाई वेरी गुड आइए जरा क्वेश्चन नंबर सिक्स मैं भी जरा हार्ड कॉपी खोल लू क्वेश्चन नंबर सिक्स बेटे क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखो और मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर सिक्स आपने किया है कि नहीं किया है हाँ अंटू मैं कल बताऊंगा विदाउट सस्पेंस वाला है ना क्वेश्चन नंबर सिक्स बताओ बेटे हाँ या ना भाई मना ही कर दो ताकि मैं क्लास में शुरू तो हो जाऊं क्यों बेटा 60 महक सार्थक अजय स्वयं किस बच्चे ने कर लिया भाई एक बच्चे का थम्स अप आया जी अच्छा बस एक दो डाउट है बाकी हो गया है वेरी गुड बहुत अच्छे बेटा सर कर लेंगे प्रैक्टिस के लिए छोड़ दो एक्चुअली क्या है ना ये ना वरना बच्चे करेंगे नहीं मुझे पता है एक बच्चे ने ट्राई किया है इसके अंदर मुझे बताओ बेटे डाउट कौन सा है क्वेश्चन नंबर सिक्स थर्ड में ओके तो जिस बच्चे ने कहा किया है उसने कहा कि सर इसमें हमें थर्ड पॉइंट में डाउट है आइए बेटे मेरे साथ कीजिए फटाफट से पॉइंट नंबर थ्री
और बेटा पढ़िए फटाफट से पॉइंट नंबर थ्री को. गुड्स वर्थ रुपीज हंड्रेड बोर्ड फ्रॉम मोहन नारायण हैव रिमेन्ड अनरिकॉर्डेड सो फार. बेटे वो अभी तक क्या है उसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है बाबू, तो इसका मतलब क्या है हम उसकी रिकॉर्डिंग कर देंगे. ये तो बहुत सिंपल है, और सिंपल हो चाहे टिपिकल हो आपको मुझसे पूछना जरूर है. ये मत सोचना कि सर ये बोलेंगे कि सिंपल है, कुछ नहीं सिंपल तो सारी चीजें हैं. बस मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि डाउट पूछने से कतराना मत, ठीक है. मैं नाम नहीं लूंगा आपका, लेकिन मुझसे पूछ जरूर लेना. तो सुनो मेरे बच्चों, गुड्स परचेज किया था किससे, मोहन नारायण से, और उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, रिमेनिंग अनरिकॉर्डेड, अंडरलाइन करो अनरिकॉर्डेड. इसका मतलब क्या है बेटे, परचेज की एक एंट्री छुटी हुई है बच्चों, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन नारायण. तो हमने क्या किया, आप ये समझ लो जैसे कि आज डाउट की क्लास है, समझ लो. ये मत सोचो कि आज क्लास है, आज सोचो कि खाली डाउट की क्लास है. सर पहले डाउट ही खत्म करेंगे फिर क्वेश्चन पे आएंगे. तो जरा देखो बेटे इस डाउट को, क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, मतलब क्वेश्चन नंबर सिक्स का पॉइंट नंबर थ्री देखो. परचेज की एंट्री छुटी हुई है, परचेज की एंट्री कर देंगे, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन नारायण, ये कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा जी. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो. नेक्स्ट और पूछो बेटे डाउट, क्योंकि कुछ एक दो बच्चों ने कर रखा है तो मैं चाहूंगा उन बच्चों का टाइम बचे, उन्होंने बेचारों ने घर पे मेहनत की है, तो उनका जो पॉइंट सिर्फ डाउट वाला है सिर्फ वही कराऊंगा ना, ताकि बाकी के शैतानों को थोड़ा सा ये तो रहे कि भाई हमने तो करा नहीं उन्होंने कर लिया. पॉइंट नंबर सेवन, आइए बेटे पॉइंट नंबर सेवन पे आइए. ए पेमेंट ऑफ 215 rupees टू मोहम्मद सदीक को पेमेंट की थी. बताओ बेटे व्हाट शुड बी. अच्छा चलो कोई नहीं, अब पॉइंट उठा लिया तो उसको पूरा करता हूँ, है ना. वो सेवन नहीं बच्चा, नाइन्थ पूछना चाहता था, पर क्योंकि मैंने पॉइंट उठा लिया तो बाकी बच्चों को कहीं डाउट ना आ जाए इसमें, तो मैं इस पॉइंट को पहले पूरा कर देता हूँ फिर नाइन्थ पे आता हूँ. व्हाट शुड बी, बताओ बेटे मोहम्मद सदीक को पेमेंट कर रहे थे. सार्थक कह रहे मैं बताऊंगा सर, बोलो बेटे क्या एंट्री होनी चाहिए थी. सार्थक आज तुम्हारी समझ लो डाउट की क्लास है, बोलो जी सार्थक क्या एंट्री होनी चाहिए थी. कैश अकाउंट डेबिट टू मोहम्मद सदीक. अच्छा तुम बताओ. नहीं अजय कह रहा मैं बताऊंगा, अजय बोलो. देखो बाकी बच्चों से जिनसे मैं नहीं पूछ रहा हूँ तो मुझे ये उम्मीद है कि उनको पता है, मैं चाहता हूँ सब बच्चों को आए, पर्पज ये है मेरा. बोलो बेटे अजय. अजय नींद खुल गई कि नहीं, एक बार भी नहीं बोला ना इसने, एक बार भी वीडियो ऑन करी ना लायक नहीं. हाँ वीडियो ऑन करो, बहुत जल्दी कर शैतान. हाँ ऑन है सर. बता जल्दी बता, खुल गई नींद. बोलो. देखो मैम सर 215 25 का हो गया. बेटा वॉइस ब्रेक हो रही है तुम्हारी, अगर दिक्कत है तो वीडियो ऑफ कर लो ताकि तुम्हारी ऑडियो सही आ जाए, हो सकता है नेट का इशू हो. बोलो जरा. आज तुम्हारी डाउट क्लास है, कोई क्लास वैसे नॉर्मल क्लास नहीं है, डाउट क्लास. अजय नहीं बोल पा रहा है सर. बोलो. मोहम्मद सादिक था जिसको 215 rupees पेमेंट करना था, जो पोस्ट करना था वो 125 rupees क्रेडिट हो गया. मुझे बेटे व्हाट शुड बी बता दो, मुझे व्हाट शुड बी बता दो. सृष्टि हाँ जी बोलो. स्वयं मोहम्मद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट.
मोहम्मद सादिक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होना चाहिए था। सारे बच्चे नोट करें इस चीज को, ये होना चाहिए था भाई। उसको पेमेंट कर रहे हैं तो मोहम्मद सादिक क्या होना था, डेबिट होना था। आज मैं क्लास ही नहीं ले रहा तुम्हारी, मैं तो सिर्फ आज डाउट ले रहा हूँ तुम्हारे, ठीक है ना। मोहम्मद सादिक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होना चाहिए था, ठीक है बेटे। लेकिन हुआ क्या है, अब ये अंटू बताएगा। बोलो अंटू। ये कौन सा आग बने ने, ठीक है जी, बोलो अंटू। हाँ रहा हो साग। अजय माइक बंद करो, तुम बहुत सारे काम रहते हैं घर के, तुम पहले काम निपटा लो। अब बर्तन वर्तन धो रहा होगा, बीच में आ गया होगा। बोलो अंटू। सर ये तो एक्चुअली होना था मोहम्मद सादिक डेबिट टू कैश, होना चाहिए लेकिन व्हाट हैज बीन बताओ। लेकिन अच्छा, लेकिन हम लोग ने गलती से ये कर लिया, मोहम्मद सादिक को लोन में कन्वर्ट कर दिया, लोन अकाउंट, माने हम लोग ने लोन अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया मोहम्मद साद, माने ऐसे मान के चला जो मोहम्मद सादिक को जो पैसा दे रहा है वो लोन समझ के दे रहा है। सृष्टि बताओ बेटे व्हाट हैज बीन, रुको सृष्टि व्हाट हैज बीन बताओ। महक मेरे को समझ में आ गया, इस चैप्टर में ऐसे करना पड़ेगा तुम्हारे साथ, मुझे डिस्कस कर करके। बोलो बेटा सिस्टी। सर कैश टू मोहम्मद सादिक 125 से। वेरी गुड बेटा, लेकिन कैश डेबिट नहीं हो बाबू, ये समझाना है। लेकिन अमाउंट चेंज हो गया। यस वेरी गुड, इसके अंदर बढ़ा देंगे अमाउंट, ये बात 15 माइनस 125। हाँ अब आओ देखो जरा, बताओ बेटे बताओ, हमने कैश पेमेंट किया, मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे एक माइक ऑन करके बताएंगे, कौन सी बुक में एंट्री होनी चाहिए थी कैश पेमेंट की? सर कैश बुक में। कैश बुक में वेरी गुड, कैश बुक में एंट्री होनी चाहिए थी, वेरी गुड बेटा। अब कैश बुक में जो एंट्री होनी चाहिए थी मेरे बच्चों, बेटे प्यारे प्यारे बच्चों, ये बताओ कैश बुक में पेमेंट में एंट्री होनी थी, और आपको पता है मैं खाली कैश बुक का कैश वाला कॉलम बना रहा हूँ बस। बेटा ये क्या है, हमारा कैश रजिस्टर ही तो है एक तरह का, कैश रजिस्टर जहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं उन लोगों के नाम जिनसे पैसे आए, उन लोगों के नाम जिन पे पैसे गए। तो यहाँ पर इसने क्या बोला, कैश पेमेंट किया मिस्टर सादिक को 215 रुपए। तो हमने क्या किया, मिस्टर सादिक को जो पेमेंट किया, कैश बुक में गलती नहीं हुई, यहाँ पर तो वही लिखा गया सादिक का नाम 215 रुपए, इसमें गलती नहीं हुई, व्हाट शुड बी में गलती नहीं हुई। लेकिन जब इस कैश बुक से, बच्चों वीडियो ऑन करो और इधर ध्यान दो, जब इस कैश बुक से हमें दो जगह पर पोस्टिंग करनी हुई, दो जगह पर बेटे, दो जगह पर, एक तो हमारे कैश अकाउंट में और दूसरा हमारा सादिक अकाउंट में। एक कौन अकाउंट है बेटा, कौन सा अकाउंट है बताओ? सादिक का अकाउंट है, मोहम्मद सादिक का अकाउंट है, और दूसरा कौन सा अकाउंट है बेटे? कैश वाला अकाउंट है। बेटे मैं कैश वाले अकाउंट की बात कर रहा हूं, कैश वाले अकाउंट में कोई गलती नहीं हुई, कोई गलती नहीं हुई। इसने इसमें थोड़ा बोली है गलती, बाई कैश जर्नल इन सब का टोटल होगा, उसके अंदर ये भी आया हुआ होगा। इसने बोला क्या बोला, पोस्टेड टू हिज क्रेडिट, कह रहे उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया 125 रुपए की तरह, क्रेडिट किया वो भी 125 रुपए, वाह वाह। यानी कि यहां पर कहां तो होना क्या चाहिए था, टू कैश जर्नल, ये होना चाहिए था, लेकिन ये ना हो पाया बेटे, और हो क्या गया, बोलो बोलो, बाई सस्पेंस, कैश में गलती नहीं है, कभी तुम यहाँ पे कैश लिख दो, ठीक है ना, बाई सस्पेंस, बताओ कितना, 125 रुपए। वो भी अगर इसको अपने खुले शब्दों में लिखना चाहो तो तुम कैसे लिखोगे, तुम ऐसे लिखोगे, व्हाट शुड बी, होना क्या चाहिए था,
बेटे होना ये चाहिए था मोहम्मद सादिक अकाउंट डेबिट टू कैश 215 रुपए, ये होना चाहिए था. व्हाट हैज बीन, हो क्या गया है, हो ये गया है, ये पता नहीं क्या. कैश में गलती नहीं है, कैश तो बेटे क्रेडिट है, कैश में गलती नहीं है. उसमें क्या हुआ, टू सादिक, सादिक डेबिट हो, क्रेडिट हो गया कितने से, 125 रुपए से. कितने से बेटे, 125 रुपए से. और ये पता नहीं है क्या, किसी अकाउंट में डेबिट हो गया है, लेजर बन गया है ना 340 रुपए. तो हम यहाँ पर जब रेक्टिफिकेशन करेंगे तो बेटे रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे, बोलो बोलो. सदीक बिना बात के क्रेडिट हो गया है, तो सादिक जो है मोहम्मद सादिक को पहले तो हम पकड़ के डेबिट करेंगे. होना चाहिए था 215 से डेबिट, 215 से जो डेबिट होना था एक तो वो, और जो बिना बात के 125 डेबिट हो गया दूसरा वो, उन दोनों से पकड़ के हम उसको इकट्ठा डेबिट करेंगे, नंबर एक बात. नंबर दूसरी बात, अब कैश में तो कोई गलती नहीं है बेटे. सस्पेंस बिना बात के यहाँ पर आइए जरा, सस्पेंस बिना बात के यहाँ पर आ गया है. पता नहीं कौन सा अकाउंट है जहां पर ये डिफरेंस चला गया है. ये होगा जी हमारा. किसी बच्चे को कोई दिक्कत बेटे, बताओ मुझे जल्दी से, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नो सर. आइए, तो एक तो बेटे पॉइंट नंबर 7 था. अच्छा, फिर है हमारा पॉइंट नंबर 9. पॉइंट नंबर 9 में आइए, टोटल ऑफ बिल रिसीवेबल बुक 1500 लेफ्ट क्या अनपोस्टेड, अंडरलाइन करो अनपोस्टेड. टोटल ऑफ बीआर बुक, ठीक है. आइए जरा, तो मुझे बताएगा कौन, बताएगा मुझे, बताएगा वरुण, बताएगा कौन से वाले बुक में एंट्री होनी थी इसकी. सर बीआर बुक में 1500 रुपए पोस्ट होने थे, वो हुए नहीं थे, रह गए. अजय बताओ, अजय कौन से रजिस्टर में एंट्री होनी थी? अजय देखो ये सो रहा है. अजय यस सर बोलो. सर एक कैश बुक में एंट्री होनी थी. वरुण ने भी मजे लेने शुरू कर दिए. बोलो अजय, कैश बुक में परचेज? यस सर, कैश बुक में एंट्री होनी चाहिए थी क्योंकि बिल से रिसीवेबल हुआ, रिसीव हुआ. देख रहे हो सारे बच्चे? हाँ, बाकी सारे बच्चे देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? सारे बच्चे देख रहे हो ना? हाँ, ये ऑनलाइन क्लास में यही एक बार घपला रहता है अगर वीडियो ऑफ करें तो. मैंने टोटल का ध्यान नहीं दिया था, मैंने सिर्फ बीआर ध्यान दिया. आइए जरा, कौन और कौन है देखे तो जरा. जागो ग्राहक जागो. सार्थक बेटे बताओ कौन सी बुक में एंट्री होनी चाहिए थी बेटे, पॉइंट नंबर 9 में. बोलो सार्थक. चुन चुन के उठाऊंगा, चुन चुन के उठाऊंगा, सोने नहीं दूंगा. जब मैं नहीं सो सकता हूं तो तुम्हें कैसे सोने दूंगा? तुम कैसे सोच रहे हो बताओ? मतलब इधर का कैमरा खुला हुआ है तो तुम लोग सोच रहे हो उधर हम तो सो जाएंगे. शैतानो जल्दी जल्दी ऑन करो. बताओ बेटे सार्थक, कौन सी बुक में एंट्री होनी चाहिए थी? फेसबुक में? नहीं, फेसबुक में नहीं, नलायक. फेसबुक में बोला. कौन सी बुक बोली? क्रेडिट. वाह 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 वाह, मेरे चांद सितारों, तुम जरूर मेरा नाम रोशन करोगे. हाँ शिष्टि गुड़िया बेटा बोलो. महक में तो आंसर दे दिया, महक तुमने बिल्कुल सही दे रखा बेटे. सृष्टि बोलो. क्या बेटा? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप. ये इसने शुरू में बिल्कुल सही आंसर दिया था वरुण ने, एकदम बिल्कुल. बेटे ये हमारी बीआर बुक में रजिस्ट्री
ये जो बी आर रजिस्टर है ना बेटे, बी आर रजिस्टर मतलब बेटे बी आर बुक, यहाँ पर हम किसका नाम लिखते हैं, ए बी सी डी ई, मतलब जितने भी हमारे ऐसे डेटर्स हैं जिनसे हमें बी आर मिले हम उनका नाम लिखते हैं, पता है बेटे। फिर इसके बाद में हाँ जी, यहाँ पे तो उसने ये वर्ड यूज कर दिया ना, टोटल ऑफ बी आर बुक, आता हूँ ना मैं उस पे। हाँ तो बेटे यहाँ पर क्या होता है बताओ, कैसे पोस्टिंग होती है बताओ। एक तो बेटे यहाँ पर क्या होता है, साथ साथ में डेटर्स के अकाउंट बनते रहते हैं, ए बी सी डी ई, है ना। तो यहाँ पर जितनी अमाउंट होगी वो ए के खाते में जाएगी, क्या लिखा जाएगा, टू बी आर बुक, बी आर रजिस्टर, बी आर बुक, ऐसी बेटे बी के खाते में जाएगी, ऐसी बेटे सी के खाते में जाएगी, डी ई में, और ये टोटल कहाँ जाएगा बेटा, एक रही एक अकाउंट और बनेगा, बी आर अकाउंट बनेगा, और जहां पर इसका टोटल पोस्ट किया जाएगा और नाम लिखा जाएगा टू बी आर बुक, मतलब ए बी सी डी में सब में तो इंडिविजुअल जाता है और बी आर अकाउंट में टोटल जाता है। आप सबको बात क्लियर है। अब यहाँ पे क्या कहता है कि टोटल जो है ना, टोटल हाँ 1500 का था ये बेटे, टोटल 1500 का था, इसकी हमने यहाँ पर अमाउंट ही नहीं लिखी, कह रहे उसकी पोस्टिंग करना भूल गए, उसकी पोस्टिंग करना भूल गए। क्या इसने बताया कि हम ए अकाउंट में, बी अकाउंट में, सी अकाउंट में, डी अकाउंट में, ई अकाउंट में, इनमें पोस्ट करना भूल गए? ना जी ना, इसने बोला कि बी आर अकाउंट में लिखना भूल गए, मतलब मैं कह सकता हूं एक बुक में पोस्टिंग नहीं कर पाए, यानी कि बेटे बी आर अकाउंट जो है हम डेबिट नहीं कर पाए, और ये पता नहीं है फिर उसकी जगह गलती कहां चली गई थी, 1500। पक्का सब बच्चों को बात समझ में आ गई? सबसे पहले तो ये जरूरी था कि ये पहचानना कि कौन सी बुक की एंट्री होती है, और बेटे हमारा जो चैप्टर है ये वहीं पे कमजोर होता है, और इसीलिए मैं आपसे इतना डिस्कस कर रहा हूँ। पता है मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे हमेशा ये कहा है कि बेटे इस चैप्टर में समझने में 2 से 2.5 क्लास लगती है, करने में बस 1 क्लास लगती है, क्योंकि करना तो हर बार फिर एक ही जैसा है। मैं कर थोड़ा ना रहा हूं, अभी भी मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बीच में आपकी 1 क्लास ली जिसमें मैंने कराया, अब तो मैं फिर से समझाने पे आ गया हूं, क्योंकि इस चैप्टर में समझने में ज्यादा टाइम लगता है। जैसे ही बच्चे को समझ में आया कि यहाँ तो सारी कहानी रजिस्टर की है, बुक की है, तुरंत वो बच्चा करना शुरू कर देता है। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि इलस्ट्रेशन नंबर 6 के जो डाउट थे वो ओके हैं, जिन जिन बच्चों ने पूछे थे ओके हैं। तो बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 6 के बाद में बताओ बेटे अगला कौन सा क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें डाउट है, आज तुम्हारी डाउट की क्लास है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 तो तुम्हारा हो गया, इलस्ट्रेशन नंबर 7 में बताओ कि ये ट्राई किया था क्या, और इसके अंदर अगर कोई पार्टिकुलर पॉइंट ऐसा है। अच्छा ट्राई नहीं किया 7th और 8th, चलो कोई बात नहीं, ट्राई नहीं किया। 7th को मेरे साथ पढ़ लीजिए, 8th को भी मेरे साथ पढ़ लीजिए, डिस्कस कर लीजिए बच्चों। ये क्वेश्चन ऐसे ही हैं, इनमें आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि बस हर क्वेश्चन में कोई एक फॉर्मूला बना हुआ हो, आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, उस सिचुएशन को जानना पड़ेगा, और जब आपको वो चीज समझ में आएगी तभी वो चीज कर पाओगे। तो मेरे साथ पहले आप ना डिस्कस कर लो आज एज ए होमवर्क इसको। हाँ मैं ट्राई करने का टाइम दूंगा, लेकिन मेरे साथ एक बार पहले आप ना इसे डिस्कस कर लो, क्योंकि आप जब क्वेश्चन को पता चला आपने ट्राई करते हुए गलत समझा तो आपका फिर टाइम वेस्ट होगा। ये ट्राई करना है अपने आप, पढ़ना भी अपने आप, ये बोलो अगर ऐसा है तो और बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही करें। सर एक बार खुद करने के लिए दे दीजिए। चलो ठीक है ऐसा कर लेते हैं। तो आप लोग ना फिर ऐसा करो, फिर आज ना इसके क्वेश्चंस करो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 बेटे यहां से शुरू हो गए, पता है कौन से क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गए, फाइनल अकाउंट के बाद वाले क्वेश्चन जहाँ पीएनएल एडजस्टमेंट आएंगे। और देखो कितने कमाल की बात, सबसे फेमस क्वेश्चन है ये, उस टाइम का क्वेश्चन है जब हम पढ़ते थे मिस्टर रॉय का। जरा पहली लाइन पढ़ो, आप समझ जाओगे कि आपको किस लेवल पे पूछ रहे हैं। मिस्टर रॉय वाज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस। बेटा आपका कोई क्लाइंट होगा, आपका कोई दोस्त होगा जो कल को आपका क्लाइंट बनेगा, वो उस पर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, कह रहे लास्ट का ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, और उसने क्या किया, उसे उठाया पीएनएल में डाल दिया। वाह 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 वाह। अब उसे पता होता था वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता ना, उसने क्या किया
पिछले साल जो डिफरेंस है ट्रायल में उसको पीएनएल में ठोक दिया और नेक्स्ट ईयर उसने आपको अपॉइंट किया, नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड चार्टर अकाउंटेंट हु एग्जामिन्ड द ओल्ड बुक्स। आपने क्या किया बेटे, पुरानी वाली बुक देखी अच्छे से, एग्जामिन की एंड फाउंड द फॉलोइंग मिस्टेक्स, और आपने ये गलतियां ढूंढी थी। अब वो गलतियां क्या क्या थी जरा देखो, 1 से लेकर 8 तक, ठीक है ना, बहुत फेमस क्वेश्चन है। यहाँ पर जब आपको बीच में गलती मिलेगी तो उस पर ना डेप्रिसिएशन भी लगा लेना, व्हीकल वाली गलती पे, इसको मैं ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा। चलिए तो आप करना है इसको भी, फिर मैं आपको क्या कर रहा हूँ, जब आपको खुद ही करना है पहले तो आपको खुद कर लेना चाहिए था कल तक। तो आप एक काम करो बच्चों, सारे बच्चे ध्यान देंगे, कल तक आप इसके सारे क्वेश्चन ट्राई करके आओ, क्योंकि फायदा तभी है क्लास का आगे बढ़ने का, वरना तो फिर ये है कि धोखा होगा तुम्हारे साथ भी और अपने साथ भी। ठीक है जी, तो पहले ये बताओ सब बच्चे जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे, पहले तो मुझे ये बताओ, सारे बच्चे वीडियो ऑन करो। और बेटे तुम लोग ना अब गड़बड़ कर रहे हो, देखो अब इतनी अच्छी पढ़ाई तुम लोगों की चल रही है और तुम लोग क्या कर रहे हो, ऐसे टाइम पे गड़बड़ कर रहे हो, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके, लास्ट मोमेंट मतलब जहां पर तुम्हारा बेसिक खत्म हो रहा है, अब तुम्हारे इंपोर्टेंट चैप्टर शुरू होने वाले हैं। पता है एक तो इंपोर्टेंट चैप्टर तुम्हारा पार्टनरशिप चल रहा है, पक्का क्वेश्चन बहुत अच्छे नंबर दिलाएगा। और अब तुम्हारा इसके बाद में जो चैप्टर चलेगा ना, कौन कौन से, जॉइंट वेंचर तो खैर हट गया, कंसाइनमेंट तुम्हारे और दूसरे चैप्टर, कंपनी वाले चैप्टर, ठीक है ना, तो बेटे वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप अभी इस पर बेसिक पे उलझे हुए तो। लेकिन रेक्टिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझ लो क्वेश्चन एग्जाम में आया रखा है, तो आपको ना मैं इसलिए इस पर इतना टाइम लगा रहा हूँ, डिस्कस करने पे भी, करने पे भी, डिस्कस करने में। कसम से सिर्फ 2 क्लास का चैप्टर है आपको पता है, और फेस टू फेस में 2 क्लास में ही खत्म हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन पर मैं कभी भी कम टाइम नहीं लगाता, मैं चाहता हूँ ऑनलाइन में चाहे और ज्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होगा ना, आपके लिए बहुत जरूरी है एक एक चीज पे वर्क करना। बेटे आप लोग यहाँ पर सबसे बड़े फायदे में क्या रहते हैं कि आप लोगों का फोकस नहीं बिगड़ता, बस डिपेंड करता है कि आपको बनाना है कि नहीं बनाना है फोकस। अब आपने, मैं आपको आज थोड़ा सा डांट गया उसके लिए सॉरी देखो, लेकिन बहुत जरूरी है क्योंकि आपने ना पढ़ानी है। आप में से कई बच्चे हैं जिन्होंने क्वेश्चन उठाकर तक नहीं देखी, और पता है मैं बताऊं, जिन बच्चों ने उठाकर नहीं देखे हैं उन बच्चों ने भी सही आंसर बताए हैं। अगर सोचो जरा, वो बच्चे अगर उठाकर एक बार क्वेश्चन को कर लेते तो उनका कितना टाइम बच जाता है ना। तो प्लीज इसको डांट मत समझना, ये भी एक तरह का प्यार ही होता है बच्चों के लिए अपने। बेटे आप लोगों को बहुत जरूरी है कि आप कल सारे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, इसमें सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं, मतलब जिसमें हमारे इलस्ट्रेशन भी बेटा, और हमारे जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन भी है, और अंदर आग लगी हुई है इस बार रिजल्ट सबसे अच्छा लाने की, ध्यान रखना। और वो तभी शांत होगी जब तुम लोग क्लास में क्वेश्चन, तुम लोगों को मैं क्लास में मेहनत करते हुए देखूंगा, सिर्फ बातें नहीं, और अटेंडेंस नहीं चाहिए मेरे को क्लास में, मेरे को रिजल्ट निकालना है, तो इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहता हूँ एकदम। तुम्हारी पार्टनरशिप की क्लास कितनी स्पेशल, एकदम अलग चल रही है, इतनी डिटेल में कर रखे हैं, जो 15 लेक्चर होते हैं उसको 51-52 लेक्चर है एक एक चीज को। और तुमने देखा भी होगा कि हर क्लास में पिछली क्लास तक का सारा रिविजन चल रहा है, तुम्हें कोई होमवर्क ही नहीं करना, सारे इलस्ट्रेशन कर रखे हैं क्लास में, तुम्हें अलग से समझ लो कहीं कुछ भी नहीं करना, बस फोकस होके सुनना है, समझना है। और मैंने तो तुम्हें लिखा हुआ पीडीएफ भी दे रखा है, अब तुम देखो कितना ज्यादा मन है रिजल्ट के लिए कि मुझे एक बच्चा तो कम से कम ऐसा मिल जाए 90+ के लिए सोच के बैठा हो। पर मुझे यहाँ पे ना सारे फुसी बम दिख रहे हैं इस टाइम पे, बुरा मत मानना, शुरू में मुझे सब में जोश दिखाई दिया था और मुझे लग रहा कि मैंने कहा ये बैच कुछ कर निकलेगा, अब इस टाइम पे मुझे बड़ी नाउमीदी सी हो गई। पिछले 2-1 जो मैं क्लास देख रहा हूँ ना आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है फोकस हट रहा है बच्चों का। तो बेटे प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा होता है बीच में आदमी थक जाते हैं, पूरा फोकस हो जाओ, जिसका बैकअप चाहिए जितनी बार चाहिए उतना ले लो, पर मुझे एक बार याद दिला दो, तुम लोग याद भी नहीं दिलाते हो। अब बेटे एक काम करना है बहुत जरूरी है, टेस्ट कहाँ तक का, यहां तक का, क्योंकि मैंने देख लिया तुम्हारा फोकस हट रहा है अकाउंट से, तो करना क्या है, यहां तक का जैसे रेक्टिफिकेशन खत्म होगा, मैं नहीं करा रहा फिर आगे, यहां तक का पहले मैं रिवाइज कराऊंगा आपको, जिसको हम नाम लेंगे मैराथन पार्ट 1 का। क्या नाम बोलेंगे बेटे, मैराथन पार्ट 1, मेगा रिवीजन पार्ट 1, जिसमें हमारा जेनेट्रीज होंगी, ठीक है। तो
तुम्हारा लेजर होगा, तुम्हारा बीआरएस होगा, तुम्हारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होगा, और यहां तक के टाइप्स ऑफ अकाउंट होंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट मैं आपका रिवीजन कराऊंगा। बस एक बार ये खत्म हो जाए तुम्हारा रेक्टिफिकेशन, तो अगली क्लास में तुम लोग इसको खत्म करो किसी भी तरह से। उसके बाद में मुझे तुम्हारा यहां तक का रिवाइज करना है, क्योंकि पिछले वाला भूलते जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो मुझे तो यहां तक पहले रिवाइज कराना है आपका। ठीक है, तो अगली क्लास चाहे उससे अगली क्लास भी ले लो, लेकिन इस चैप्टर को एक एक क्वेश्चन को रगड़ देना। उसके बाद में फिर हम यहाँ तक का रिवीजन करेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे। मैं तो आगे फिर अभी नहीं बढ़ा रहा, क्योंकि क्या फायदा होगा ऐसे आगे बढ़ने का। पार्टनरशिप तो है नहीं कि हमने इतने सारे लेक्चर लगा रखे हैं, इन चैप्टर पर इतने लेक्चर लगाने लगा तो तुम्हारे तो फिर नवंबर टाइम तक क्लास पहुंच जाएंगी। तुम्हारे को अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त के लास्ट तक फ्री करने का इरादा है, ज्यादा से ज्यादा सितंबर के मिड तक फ्री करने का इरादा है, ताकि अक्टूबर तुम घर पे आराम से खुद रिवाइज करो और हम भी पहले उससे पहले रिवीजन और टेस्ट करो। समझ रहे मेरी बात? तो तुम्हें क्या करना है, अभी अगली क्लास में खत्म करना है जी रेक्टिफिकेशन। अब देख लो, बस मैं एक एक बच्चे की कॉपी देखूंगा, और हो सके तो सोल्यूशन बना बना कर अच्छे से बिल्कुल बना बना करके ग्रुप में डालो। मैं बड़ा अच्छा देखता हूँ, तुम लोग लो में बहुत अच्छा करते हो, अकाउंट में भी करो ना। मेरे को जलन होती है बहुत ज्यादा इस चीज से, मेरे सब्जेक्ट की अपेक्षा तुम दूसरे सब्जेक्ट में बड़े अच्छा कर रहे हो, मेरे सब्जेक्ट में भी करो ना, है ना। प्लीज बेटे जल्दी से मुझे सोल्यूशन भेजना, मैं आज वेट करूंगा आपके सोल्यूशन का पक्का। ठीक है ना, पक्का? आज बातें कर रहा हूँ तुमसे, आज डांट लगा रहा हूँ तुम्हें, और अपने बच्चे मान के डांट लगा रहा हूँ। मेरे को रिजल्ट चाहिए बस, और वो उसका यही तरीका है, खत्म करो यहाँ तक रेक्टिफिकेशन तक, फिर रिवाइज करते हैं, और रिवाइज करने के बाद में यहाँ तक का टेस्ट करते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। चलो आज तो तुम मौज लेके, है ना, कर रहा हूँ फिर मैं। ओके चलो बच्चों, है क्लास ओवर, पार्टनरशिप लगाओ। एक मिनट, रिकॉर्डिंग के हिसाब से क्लास ओवर है, जो बच्चे रिकॉर्डेड में देख लेंगे।